Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Students, in the previous videos of determinants, we have learned how can we expand any determinant, what is determinant. In the last video, we have studied about the adjoint of any square matrix, how can we find the adjoint of any square matrix. In the today's lecture, we are going to discuss a very important theorem for the upcoming lectures. The statement of the theorem is, if A is a square matrix, what is a square matrix? Number of rows and number of columns are equal. If A is a square matrix of order n, then prove that A multiplied by adjoint of A equals to adjoint of A multiplied by A equals to determinant of A into identity of order n by n, because identity is always a square matrix. So ye IN kya represent kar raha hai pe? Identity matrix of order n by n. Jo aage ke jitne bhi theorems hum padhenge, un sare theorems ka base ye theorem hai. To is theorem ko dhyan se samjhe aap. Iska pura proof main aapko batane ja raha hu. This theorem is base for upcoming theorems and मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एक फॉर्मूला जो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए फॉर्मूला भी मैंने बताया नहीं, उसका डेरिवेशन भी इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम करते हैं आगे, वो आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. तो जो कंडीशंस हैं उनको लेकर के, ए जो है हमारे पास क्या है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ए आई जे, और ऑर्डर कितना है इसका, n बाय n. तो अगर इसको पूरा डिटेल में मैं लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट आएगा इसका a11, देन a12, a13, इस तरीके से a1n. द नेक्स्ट एलिमेंट a21, a22, a23 एंड a2n. इसी तरीके से एलिमेंट चलते रहेंगे और द लास्ट रो विल बी an1, an2, an3 and the last element will be ann. This is the general matrix of order n by n. ये मैंने जो प्रूफ मैं करने जा रहा हूँ n order का है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मैट्रिसेस हैं, आप चाहे 2x2 लो, चाहे 3x3 लो, आप चाहे 4x4 लो, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो वो इस फॉर्मूले को हमेशा सेटिस्फाई करेगी ही करेगी. जनरल प्रूफ करना है तो आप किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप यहाँ पे रख सकते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. नाउ अब हम बात करें कोफैक्टर्स की. कोफैक्टर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैपिटल a11, कैपिटल a12, कैपिटल a13, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे. और उसके बाद हम ये मान रहे थे कि लाइक a11, a12 एंड सो ऑन आर द कोफैक्टर्स of a11, a12 respectively. ये सब हमने कोफैक्टर्स बना लिए. Now, if we talk about the adjoint, how can we find adjoint of any matrix? आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि adjoint of any square matrix is equal to the transpose of matrix formed by the cofactors. इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स जो हमने निकाले थे उसके मैट्रिक्स बनाते हैं पहले a12 से लेकर के a1n. अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ये a11 का हमने जो कोफैक्टर निकाला है वो लिखा हुआ है a21, a22 एंड a2n, an1, an2, ann. दिस मैट्रिक्स इज अगेन ऑफ ऑर्डर n by n. इसका ट्रांसपोज अगर हमको निकालना है तो ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, इसका जो रोज के एलिमेंट्स हैं वो करेस्पॉन्डिंगली कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे. a11, a12, a1n, इस तरीके से ट्रांसपोज के बाद a21, a22, a2n एंड द लास्ट कॉलम विल बी an1, an2, ann. This is the adjoint of this matrix A. अब आपको क्या करना है,
इस फॉर्मूले पे आते हैं जो हमको प्रूव करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमको निकालना है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमको निकालना है तो इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको बताया था किस तरीके से मल्टीप्लाई हम करते थे, ये जो फर्स्ट रो है इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा ए वन वन इंटू कैपिटल ए वन वन प्लस ए वन टू इंटू कैपिटल ए वन टू, ऐसे ए वन एन इंटू कैपिटल ए वन एन इस तरीके से। अब इसका दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, दूसरा एलिमेंट आएगा सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए वन वन इंटू ए टू वन, ए वन टू इंटू ए टू टू एंड ए वन एन इंटू ए टू एन एंड सो ऑन। बाकी के एलिमेंट्स फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं। अब आते हैं सेकंड रो में, सेकंड रो जब इसकी फॉर्म होगी तो सेकंड रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होकर हम यहां लिखते रहेंगे, तो क्या आएगा ए टू वन इंटू ए वन टू, ए टू वन इंटू ए वन टू, ए टू टू इंटू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से ए वन वन आएगा, ए टू टू इंटू ए वन टू, ए टू टू इंटू ए वन टू एंड द लास्ट एलिमेंट विल बी ए टू एन इंटू ए वन एन। ध्यान से मल्टीप्लीकेशन देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन ही मेन है इसमें, कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ए टू वन इंटू ए टू वन, ए टू टू इंटू ए टू टू, ए टू एन इंटू ए एन एन। फिर ऐसे थर्ड रो आएगी, ऐसे फोर्थ रो आएगी, ऐसे लास्ट रो आएगी। लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें, बाकी आप मल्टीप्लीकेशन करके देख लें, लास्ट रो का इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में जो लास्ट रो आएगी उसका लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, ये लास्ट रो लास्ट कॉलम से जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, क्या लास्ट एलिमेंट में लिख रहा हूँ ए एन वन इंटू ए एन वन, ए एन टू इंटू ए इंटू ए एन एन इंटू ए एन एन। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने निकाल लिया। अब अगर हम बात करें ए वन वन इंटू ए वन वन, कैपिटल ए वन वन, दिस कैपिटल ए वन वन रिप्रेजेंट्स द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए वन वन, अगेन कैपिटल ए वन टू रिप्रेजेंट्स द कोफैक्टर ऑफ ए वन टू। तो आप देखिए जो फर्स्ट रो का पहला जो एलिमेंट आ रहा है ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आ रहा है, यहाँ भी ए वन टू इंटू ए वन टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आ रहा है, ए वन एन इंटू ए वन एन ये भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर आ रहा है। तो सेकंड एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ए वन वन और ए टू वन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जब हम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो में जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर वाला एलिमेंट आ रहा है वो सिर्फ पहला एलिमेंट आ रहा है, उसके बाद उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड रो में, सेकंड रो में आप देखें पहला जो एलिमेंट एडिशन में आ रहा है इसमें ए टू वन इंटू ए वन वन, ए टू वन का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल ए टू वन, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ये उस फॉर्म में नहीं आ रहा है। लेकिन सेकेंड एलिमेंट में आप देखो स्मॉल ए टू वन इंटू कैपिटल ए टू वन, स्मॉल ए टू टू इंटू कैपिटल ए टू टू, तो इस तरीके से डायगनली जो एलिमेंट्स इसमें प्रिंसिपल डायगनल में बनेंगे, प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ये आपके प्रिंसिपल डायगनल में आ रहे हैं। और इसके अलावा कोई भी इस तरीके का एलिमेंट डायगनल के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। एंड द सेकेंड वन इज द टू प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कोफैक्टर्स विद देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, इसका जो सम आता है ये हमेशा इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। अगर आप कोई भी मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं और इसके एलिमेंट्स आपने ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, अब इसके कोफैक्टर
से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज अगर हम लेंगे तो वो इस मैट्रिक्स ए का क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की अगर हम बात करें तो वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ट्रांसपोज भी ले लिया मैंने यहाँ पे, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री. इफ यू मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, ए वन वन इंटू कैपिटल ए वन वन, ए वन टू इंटू कैपिटल ए वन टू, ए वन थ्री इंटू कैपिटल ए वन थ्री, और इन सबका क्या आएगा, एडिशन. तो इसकी वैल्यू हमेशा इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा उसके इक्वल होती है. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही प्रॉपर्टी यहाँ भी आ रही है, एलिमेंट करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर. तो ये जो एडिशन आएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाला कोई भी एलिमेंट आगे आपको नहीं मिलेगा. सेकंड रो में आते हैं, इसका सेकंड एलिमेंट जो है वो एलिमेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, उन सब का क्या आ रहा है, एडिशन. यानी कि ये इसका इससे मल्टीप्लीकेशन है, समझ लीजिए. और इसकी वैल्यू भी क्या आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. आप चाहे इसको इजिली न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं. फिर थर्ड रो में क्या होगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा थर्ड एलिमेंट. और ऐसे करते हुए लास्ट रो में जब हम जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा लास्ट एलिमेंट. एक तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है. एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज इफ यू मल्टीप्लाई एनी एलिमेंट विद द अदर कोफैक्टर एंड देयर सम विल बी जीरो. होगा क्या कि अगर आप इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ए वन वन इंटू ए टू वन आ रहा है, ए वन टू इंटू ए टू टू आ रहा है, इन सब का जो एडिशन होगा वो हमेशा जीरो आता है. तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो फर्स्ट रो के बाकी जितने एलिमेंट सब बचे हुए हैं वो सारे जीरो बन गए, सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब जीरो बन गए, थर्ड में थर्ड को छोड़ करके बाकी सब जीरो. ऐसे इसी तरीके से लास्ट रो में लास्ट एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब जीरो बन गए. ये प्रॉपर्टी जो है इसको आपको ध्यान से समझना है कि मैंने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, कि एलिमेंट और कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए. और अगर उसके कोफैक्टर आप चेंज करते हैं तो उस एडिशन की वैल्यू हमेशा जीरो आती है. अब यहां से न्यूमेरिकल इसका प्रूफ बहुत आसान हो गया है. क्या करेंगे इसके बाद, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं. इसमें आप देखिए जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ऑफ ए फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, मैट्रिक्स से अगर हम कोई भी एलिमेंट कॉमन लेते थे, मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट आप कॉमन लोगे तो वो कॉमन तभी आएगा जब वो हर एक रो हर एक कॉलम से कॉमन आना चाहिए उसको. तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में सब कॉमन हमको दिख रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बन गया. और अब ये मैट्रिक्स देखो क्या बन जाएगी, वन जीरो जीरो एंड सो ऑन, जीरो वन एंड सो ऑन, जीरो जीरो वन एंड सो ऑन, जीरो 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 एंड वन. दिस मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. तो ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर की, एन ऑर्डर की. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन. और ये हमारा टारगेट भी था, हमको यही प्रूफ करना था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल हो जाए. इसी तरीके से आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालेंगे तो वो भी डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन के इक्वल आएगा. इसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको कराया आज. ये इसका जो आगे की थ्योरम्स है उसमें काफी यूज होने जा रहा है, इनवर्स निकालने में भी काफी, हम जो डेरिवेशन करेंगे वहां पे इसका यूज होगा. तो इस थ्योरम को आप प्रिपेयर करें, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी जल्दी लेकर के मैं आऊंगा.